अब व्यापम बंद, अब नौकरियों में मिलेगी पारदर्शिता। हाँ पता है, अब करेंगे स्टार्टअप चालू, क्योंकि पूरे 4,000 रुपए महीना स्वरोजगार सहायता जो मिलने वाली है। बिल्कुल सही कहा, अब मुझे भी टेम्पररी संविदा नौकरी की टेंशन खत्म, अब मिलेगी पक्की नौकरी और पक्की तनख्वाह। और तो और, अच्छी सैलरी और जॉब के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा, जॉब्स यहीं आएंगे। कांग्रेस सरकार देगी हमारी तनख्वाह में 10,000 तक का योगदान। ये बात तो बोलो यारो, तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। ये भाजपा वाले अपनी पुरानी हरकतों से आपको बांटने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन आप एकजुट होकर अपने वोट की ताकत से इनको करारा जवाब जरूर देना। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। सुनो, 15 साल में कुछ काम वाम तो किया नहीं तुम लोगों ने, अब तुम्हें आइडिया चाहिए ना? मैं देती हूँ आइडिया, भाजपा हटाओ, मध्य प्रदेश बचाओ। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। एक तरफ नेताओं की बड़ी बड़ी बातें, तो दूसरी ओर आजादी के 70 साल बाद भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वहीं सुहागपुर इलाके में ऐसे भी गांव हैं जहां सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। होशंगाबाद में नेता मतदाताओं की घर की तरफ कूच कर उनके पैरों में नतमस्तक हो रहे हैं। वहीं सुहागपुर विधानसभा के 2 ग्रामों में आज भी शासन की किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा है। लोग मूलभूत सुविधाओं तक के लिए तरस रहे हैं। सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र से पिछले 15 वर्षों से भाजपा प्रत्याशी ठाकुर विजयपाल सिंह जीत रहे हैं। मीडिया की टीम निमन मूढ़ा सुकरी खुर्द पहुंची तो विकास पुरुष कहलाने वाले विधायक विजयपाल सिंह की पोल खुल गई। इस गांव में ना तो सड़क है, ना ही बिजली और ना ही अच्छी शिक्षा है। यहाँ के लोग आज भी शासन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। इस गांव में विकास नहीं होने के कारण यहाँ शादी विवाह नहीं होते हैं। इन गांवों में कोई भी अपनी बेटी या बेटे के संबंध नहीं करता, क्योंकि यहाँ बिजली पानी सड़क तो दूर, यहाँ शौचालय तक नहीं है। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड तो केवल एक मुद्दा है, बाकी हमारी 10 मांग है। यहाँ अभी तक कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ, आजादी के 70 साल हो चुके हैं। और जनप्रतिनिधि तो ठीक है, वो अपनी जगह 5 साल के लिए आते, लेकिन प्रशासन भी हम पर ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन में हम आज से 8 माह पहले एडीएम साहब के यहाँ एक रैली निकाल के गए थे, ज्ञापन दिया था, उसकी पावती ली थी। एडीएम साहब ने हमसे बोला कि हम कल आ रहे हैं और हम सारी समस्याएं आपकी हल कर देंगे, लेकिन एसडीएम साहब अभी तक नहीं आए। अभी ताजा बात बताएं, हम अभी जिला से सीओ साहब आए थे, हमने उनके सामने ये मांगे रखी, उन्होंने हमको बिल्कुल ऐसे हल्के तरीके से समझा गए, आप वोट दो आपका सब काम हो जाएगा, बाकी हमारी मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया उन्होंने। आश्वासन तो सर हम बहुत दिन से सुन रहे हैं, पिछले 3 पंचवर्षीय ऐसे ही हो गए, हमको ये आश्वासन दे रहे हैं, अच्छी पीठ थपथपा के चले जाते हैं कि आपको बस 1 महीने बाद रोड बन जाएगा आपका। 3 पंचवर्षीय हो चुके, 15 साल हो गए हमको ऐसे ही देखते हुए। संबल योजना में सर क्या हुआ है, 1-2 आदमों के बिल माफ हुए हैं, कुछ नहीं है। हमको यहाँ कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ है अभी तक, ना हम पर कोई ध्यान दे रहा, हमारे साथ प्रशासन सीधा सीधा पक्षपात कर रहा है। ध्यान ही नहीं दे रहा शासन, पुराने समय बीत गया, अभी तक कोई ध्यान आते और बस समझा चले जा, वोट डालो वोट डालो, कब वोट डाल है जनता, नई उम्र मरी जा रही, स्कूल पढ़े जगह नहीं है, कच्चू नहीं है, वोट डाल दो यार, वोट डाल दो, वोट डाल दो सर, मांग सुने तो अनशन करेंगे हम शासन। रोड नहीं आते, सब्जी जाती जाती घर इधर, ये रोड के कारण कह रहा था। कैसा रोड? रोड मतलब कच्चो है, वो गाली बेल जात नहीं है, रास्ता बनत नहीं साहब।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2 अक्टूबर 2017 में होशंगाबाद जिले के शौच मुक्त यानी ODF घोषित किया था, लेकिन इन गांवों में ना तो शौचालय मिले और ना ही मुख्यमंत्री आवास। होशंगाबाद की चारों विधानसभाओं में ऐसे न जाने कितने गांव हैं जो अभी भी शासन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। सुहागपुर विधानसभा क्षेत्र के नीमन बूथा ग्राम पंचायत के दो गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का बोर्ड तक गांव में लगा दिया है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देखो अब मुझे मिलेगा सुरक्षा कवच वाला स्मार्टफोन। स्वावलंबी महिलाओं का वक्त बदलेगा क्योंकि हमारे स्व सहायता समूह के भी कर्ज होंगे माफ और नए कर्ज में मिलेगी रियायत। अरे अब मेरी बेटी की संपूर्ण शिक्षा होगी निशुल्क और अब महिला स्वास्थ्य में आएगी नई क्रांति क्योंकि सैनिटरी नैपकिन होंगे निशुल्क उपलब्ध। तो बताओ हमारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। महंगाई दीमक की तरह खा रही है, कभी सोचा है आपने? एक नारी अपने अरमान किसी खाली बर्तन में छुपाकर इस बढ़ती महंगाई में कैसे घर चलाती होगी? कैसे एक पिता पाई पाई जोड़कर यहाँ वहाँ से कर्ज लेकर बच्चों की शिक्षा में झोंक रहा है, कर्जदार हो रहा है? क्यों, कभी सोचा है आपने? दर्द पलकों में दबाकर इलाज, समाज, रिवाज, ये सब कैसे निभा लेते हैं आप? जरा सोचिए कि ये भाजपा सरकार जिस पर आपने 15 सालों तक भरोसा किया, उसी ने आपको आज महंगाई के बोझ तले दबा दिया। बस कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का। अरे गोपाल क्या पढ़ रहे हो भाई? अरे दद्दा आप किसी भी किसान भाई को उम्मीद नहीं हारनी है, हर किसान का कर्जा होगा माफ। और दद्दा हाँ, अब मुआवजे के लिए हाथ फैलाना बंद, अब हमारा और हमारी फसलों का होगा बीमा पूरे 5 लाख तक का। और बिजली मिलेगी पूरी और बिल होगा आधा। हाँ भैया, सब्जी अनाज दूध उत्पादन का बोनस सीधे अपने खाते में। अब बुढ़ापे की चिंता खत्म, 1,000 रुपए महीना पेंशन जो मिलने वाली है। हाँ तो बोलो भाइयों, तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कांग्रेस को। कांग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का।